हे व्हाट्सअप लवली पीपल, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में। ये वीडियो बहुत ज़्यादा डरावना होने वाला है क्योंकि इसमें हम देखेंगे कुछ ऐसी चीज़ें जो लाखों करोड़ों में एक बार कैमरे में गलती से कैप्चर होती हैं। हम बड़े खुश नसीब हैं कि हमें ये वीडियो देखने को मिल रहा है। इस वीडियो में वाकई में कुछ ऐसी भयानक फुटेजेस आपको देखने को मिलेंगी जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी, और मैं दावा करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए करते हैं इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। यह वीडियो अपलोड किया है स्कैरी चिलर ने। आप देख सकते हैं यह एक सीसीटीवी कैमरा फुटेज है। ऐसा लगता है जैसे मानो यह कोई सुनसान रोड है और यह रात का फुटेज है। हम टाइम भी देख सकते हैं, 2:23 हुए हैं। देखने में पहले तो यह बिल्कुल शांत और नॉर्मल नजर आता है, लेकिन तभी थोड़ी देर के बाद में अगर आप ध्यान देंगे तो सीधे हाथ की तरफ सेंटर के ऊपर एक घोस जैसी यानी कि एक भूत जैसी छवि बनती हुई नजर आती है। ध्यान से देखने पर ऐसा लगता है मानो धुएं की तरह वो छवि आई हो, उसने इंसानी आकृति ली हो और फिर वो हवा में धुएं की तरह वापस से ऊपर उड़ गई हो। सवाल ये उठता है कि रात का टाइम है, हमने हमारी आंखों से देखा कि वहां पर कोई नहीं था, फिर भला ये धुआं, ये छवि, ये आकृति क्या चीज थी। हालांकि आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये वीडियो और इस वीडियो का अपलोडर दोनों ही ये दावा करते हैं कि ये कोई भूत था जिसे कैमरा ने कैप्चर किया है। मैं यहां पर आप लोगों से ये सवाल करना चाहता हूं कि क्या आपने अपनी रियल लाइफ में इस टाइप का कोई हादसा देखा है? अगर देखा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। कहते हैं कि भूत, प्रेत, आत्मा या जिन, इनको जब भी ट्रेवल करना होता है यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाना होता है तो इन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि अभी हम बात करने वाले हैं एक एयरपोर्ट की, इसलिए मैं ट्रेवल की बात कर रहा हूँ, और ये एयरपोर्ट है पाकिस्तान के इस्लामाबाद का एयरपोर्ट। बताया जाता है कि ये एयरपोर्ट 2018 में कंप्लीट किया गया। तब से लेकर अभी तक ना जाने कितनी ऐसी यहाँ पर वारदातें हो चुकी हैं जो ये साबित करती हैं कि ये जो एयरपोर्ट है ये हॉन्टेड है। यहाँ तक कि आपको इंटरनेट के ऊपर कई और ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बारे में लिखती हैं या फिर शो करती हैं कि यहाँ पर भूत रहता है, ये एयरपोर्ट भूतिया है। मैं भी पहले 2 वीडियो बना चुका हूँ जहाँ पर मैंने भी अपने शो में इस एपिसोड में इसको शामिल किया था। पाकिस्तान के कई अलग अलग छोटे बड़े न्यूज़पेपरों में भी इसके बारे में लिखा जा चुका है। हालांकि उसमें यह कहा गया था कि यह कोई भूत नहीं है बल्कि ये जिन्नात है, यानी कि जिन है जो वहां पर भटक रहा है और वहां पर आने जाने वाले मुसाफिरों को तंग करता है। इस एयरपोर्ट के निर्माण के टाइम काम करने वाले मजदूरों ने भी कई शिकायतें दर्ज करवाई थी जिसमें वो बताते थे कि हमें आवाजें आती थी और ऐसा लगता था मानो कोई हमारे चेस्ट को यानी कि सीने को दबा रहा हो, जबकि वहां कोई नहीं होता था। जब यह एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया तो ये खबरें आई कि कई बार सिक्योरिटी गार्ड बेहोश हो गए। जब उनसे पूछा गया कि आखिर तुमने ऐसी क्या चीज देखी तो उन्होंने बताया कि हमने उसी भूत को देखा जो यहाँ पर भटकता है। इन्हीं सारी घटनाओं और बातों के बीच एक ऐसा और फुटेज इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सामने आया जो ये साबित करता है कि जितनी भी बातें यहाँ के लिए कही जाती हैं बिल्कुल सही हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से सामने वाली दीवार के ऊपर एक परछाई नजर आ रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑलरेडी एक ऐसी जगह जिसके बारे में बहुत सारी चीजें बदनाम है और वहां पर ऊपर से ये छवि, ये शेडो नजर आ जाए तो वहां के स्टाफ का क्या हाल हुआ होगा। अगर आप इस्लामाबाद से हैं और इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिए। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। अक्सर कहा जाता है कि जो पुराने किले और महल होते हैं उसके अंदर भूत, प्रेत, आत्माएं अपना निवास कर लेते हैं क्योंकि वो बरसों बरस से खंडर पड़े हुए हैं। एक बंदा है जिसका नाम है टोनी फर्ग्यूसन, वो ये दावा करता है कि हैम्पशायर के एक किले में उसने भूत देखा है और उसने उस भूत को अपने कैमरा में भी कैप्चर किया है। ये किला बहुत ज्यादा पुराना है, ये हेनरी टाइट के जमाने का है। ये जो बंदा है टोनी फर्ग्यूसन, एक्चुअली ये एक घोस्ट हंटर है। जब इसने ये सुना कि इस किले में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं और यहाँ पर कहा जाता है कि भूत है, तो ये यहाँ पर पहुंच गया और ये देखने लगा कि क्या वाकई में ये बातें सही हैं। टोनी फर्ग्यूसन बताता है कि जब मैं वहां पे था मैंने अच्छे से सारी चीजें देखी और घूमी लेकिन मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पर कोई भूत हो। लेकिन जब मैं अपने घर पहुंचा और अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग चेक कर रहा था तब मुझे ये चीज नजर आई। जैसा कि हम यहाँ इस फुटेज में देख सकते हैं, सामने जो किले की खिड़की है उसके अंदर कुछ मूवमेंट होता हुआ नजर आता है। ऐसा लगता है मानो कोई अंदर है।
जबकि वहाँ कोई नहीं था, रात का टाइम था, किला बहुत ज़्यादा पुराना है, कोई वहाँ पर हो ये तो मुमकिन ही नहीं है। इस फुटेज को स्लो मोशन करने पर देखने पर यह समझ में आता है कि अंदर कोई परछाई जैसी चीज आ रही जा रही है। फर्ग्यूसन ने जब इस खिड़की की जानकारी निकाली तो वो यह सुनकर दंग रह गया कि इस खिड़की में जाने के लिए बस एक ही रास्ता है, वो भी एक बहुत ज्यादा नैरो टनल है जिसमें जाना किसी को भी अलाउड नहीं है। हालांकि फर्ग्यूसन इस बात से इनकार नहीं करते कि जब मैं किले में था मुझे वहां पर कोई भी चीज ऐसी दिखाई नहीं दी थी जिससे मैं ये बोल सकूं कि वहां पर भूत है। हालांकि जब जब मैं किले में घूम रहा था, जहां जहां घूम रहा था, मुझे ये जरूर फील हो रहा था जैसे मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो कोई मेरा पीछा कर रहा हो या फिर मेरे साथ साथ चल रहा हो। आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई में आपने भी किसी पुराने पड़े खंडर या किले में किसी भूत प्रेत को देखा है? तो कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है, जहां पर हमने देखे 3 ऐसी भूतिया वीडियोस जो वाकई में डरावनी थी। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क पर शेयर भी कर दें। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।